अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप्स हो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, रोज़े भी आप सबके बहुत अच्छे जा रहे होंगे। रूइक्स इज हेयर, वेलकम टू माय चैनल। तो जी, आज की जो हमारी रेसिपी है वो थोड़ी यूनिक सी है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एग यूज़ करने हैं कोटिंग के लिए, एग की पट्टियाँ बनानी है हमने। इसको एग रोल कहेंगे या एग ब्रेड रोल बोल लें, ब्रेड तो यूज़ होने नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो अंडे लेने हैं और इनके अंदर नमक डाल के इनको अच्छे से बीट करना है। और ये बीटर जो है ये बहुत डीट है, अंडे भी जो है ज़ोर ज़बरदस्ती से ही बीट हो रहे हैं इसके अंदर। तो जी, यहाँ पे हमने जो पानी है ना उसकी इक्वल क्वांटिटी लेनी है, मतलब कि पानी की और जो मैदा डालना है उनकी दोनों की क्वांटिटी नहीं इक्वल लेनी, जिस कप में डालना है वो दोनों सेम होने चाहिए। डेढ़ कप हमने इसमें पानी डालना है और जिस कप से पानी डाला है उसी कप से हम लोगों ने मैदा डालना है। इस मिक्सचर को हमने इतना बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये थोड़ा फ्लफी फ्लफी सा इसका टेक्सचर नज़र आना शुरू हो जाए। और फिर हमने आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर मैदा डालना शुरू करना है। तो जी, यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं किस तरह की है। तो ज़्यादा इसको थिक नहीं करना और ना ही ज़्यादा पतला करना, जिस तरह पुडिंग में यूज़ होता है वैसे मटेरियल बनाना है। तो अब हम लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू करना है। और आप लोगों ने फ्लेम जो है उसका ध्यान रखना है, वो तेज़ ना हो और ज़्यादा गर्म भी ना हो पैन के डालते सारी ये बन जाए, थोड़ा टाइम लगे, मतलब 2-3 मिनट लगे इसको बनने में। और यहाँ पे जी, आज हमारा जो कैमरामैन है वो अवेलेबल नहीं था, वो सोया हुआ था, तो इसलिए अपनी मदद आपके तहत हमने काम किया है। बस इसकी जो है ना एक साइड को हमने पकाना है और फिर इसको फ्लिप नहीं करना, इसको उठा के हम लोगों ने रख देना है प्लेट के ऊपर। तो जी, ये हो गए गरम गरम। तो आपने कोशिश करनी है कि पानी ना बढ़े, वरना गरम गरम चीज़ से प्लेट में पानी आ जाता है। तो इसको आप लोगों ने हाथों की मदद से ही आप लोगों ने इसको ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन एक मिक्सचर से आप लोग के तकरीबन 10 पट्टियाँ बन जाएंगी। तो जी, यहाँ पे हमारी पट्टियाँ रेडी हैं और जो हमने मटेरियल बचाया हुआ था वो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालना शुरू करना है। ज़्यादा इसको फिल नहीं करना क्योंकि ये एग की है, तो फिर ये फटने का इसका बहुत ज़्यादा होता है चांस। तो आप लोगों ने थोड़े थोड़े करके इसके अंदर डाल लें और बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही आराम से इसको हम लोगों ने फोल्ड करना है क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है, सिंफे नाजुक होते हैं। तो आप लोगों ने इसको टिश्यू पेपर की तरह ही समझना है और आराम आराम से इसको फोल्ड करना है और ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर भी नहीं डालना। और जी, यहाँ पे हमारे मज़े मज़े से क्यूट क्यूट से एग रोल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो आप लोगों ने दो तरीके से इसको कर सकते हैं, शेल फ्राई कर सकते हैं या डीप फ्राई कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस मैं दूंगी कि आप शेल फ्राई करें क्योंकि उससे इसके खुलने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते, लेकिन डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जी, यहाँ पर हमने बारी बारी इनको पैन में डालना है और इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे मज़े से प्यार प्यार से एग रोल तैयार हो चुके हैं। होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।